अच्छा असली में मैं वैसे एक जो इंटरव्यू से थोड़ा सा आइडिया हुआ ना जी, वो ये आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान के ना काफ़ी ज़्यादा कप्तान है ना वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको मुश्किल होती है। कोई बात नहीं फिर नहीं, क्या हुआ? ठीक है बिल्कुल कोई हाँ। कोई इसमें हमारे लिए कोई इसमें वो नहीं है हाँ। बात, लेकिन होता ही है कि जिस टाइम वो इंग्लिश बोलते हैं ना तो वो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना वो नहीं कर, वो ठीक से नहीं, वो ठीक से नहीं कर सकते कि जो वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं ना वो वाले फिर अल्फाज उनको समझ नहीं आते तो वो कुछ और कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक आदमी आ जाए जो ट्रांसलेट कर दे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम है ना ज्यादा बेहतर तरीके से ना अपने आप को एक्सप्लेन करता है, मैसेज ज्यादा अच्छे से मैसेज करता। तो ये काफी दफा हुआ कि जी बाद में आप उनसे मिलो यार क्या कहा उनका यार मैं ये कहना था इंग्लिश में करनी है तो वो ये अलग चीज होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ अगर कोई हमारा जिनसे मीडिया का आदमी पहले जाते भी रहे हैं ऐसी भी बात नहीं जाते रहे तो, और अगर बाबर को खुद इंटरव्यू करना तो मेरे ख्याल में ये इस पर भी थोड़ी सी वो करके आप दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें वो कहना चाहता था लेकिन वो कह ही नहीं सका, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सका उन चीजों को जी, तो मेरे ख्याल में अगर ये उर्दू में बात कर रहा होता ना तो मेरे ख्याल में इन चीजों का जवाब वो ज्यादा जरा बेहतर तरीके से देता और हो सकता है कि उसके जवाब कुछ चेंज भी होते। ठीक है, वो सीपीएल भी दरअसल इसी वजह से कह गया वो। सलीम भाई मैं यहाँ पे जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप उर्दू जुबान में बात करें तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, आप अपनी जो भी आपकी जबान है आप उसमें बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफी मसला बनाया जाता है इसको कि बाबर को इंग्लिश नहीं आती, हमने उससे इंग्लिश का कोई पेपर नहीं दिलवाना, उससे लिटरेचर नहीं पढ़ाना, हमने उसे क्रिकेट खिलवानी है, वो उसको आनी चाहिए। Exactly. देखें आप दुनिया में जितने भी बड़े फुटबॉलर ले लें ये वो कोई इसमें वो नहीं है, मगर ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए लोगों को कि अगर वो देखें ना आप वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जी तो ये भी तो वो अजीब है ना। जैसे इंजीनियर बिल्कुल ठीक बात की है कि जब वो कहना कुछ चाह रहा होता है और उसको अल्फाज नहीं आते तो फिर आप सीपीएल वो गलती से कह गया मेरे ख्याल में तो वो मैच कहीं और था, वो जिक्र कहीं और का कर गया। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि मैच कहाँ है और बातें कहाँ की हो रही हैं। पॉइंट्स टेबल पे जरा हम नजर दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल जो है वो हम देख रहे हैं, इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है टेबल को, दो मैचेस उन्होंने खेले हैं, दो ही जीते हैं और उनका अगर हम नेट रन रेट देखें दैट इज 1.46। फिर यूएसए है, उन्होंने भी दोनों मैचेस जीते हैं। फिर पाकिस्तान है, एक ही मैच हमारे पास बचा है और हमारा नेट रन रेट फाइनली नेगेटिव तो नहीं है। फिर कनाडा है और फिर आयरलैंड है और आपको आयरलैंड के साथ जो है वो अपना आखिरी मुकाबला जो है वो करना है फ्लोरिडा में। ग्रुप बी भी अगर हम दिखा सकें यहाँ पे ग्रुप बी की क्या सूरत हाल है। ग्रुप बी जो है स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, इंग्लैंड और ओमान। अच्छा यहाँ पे बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल है ना वो है इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो है उन्होंने दो मैच खेले हैं, पॉइंट्स इनके एक आ रहे हैं इस वक्त, एक बारिश हो गई थी ना स्कॉटलैंड से और एक में जो है बारिश हो गई थी स्कॉटलैंड से। पांच नहीं है, पॉइंट तीन है। आप उस वक्त जो सोच रही थी ना कि उनके शायद पांच पॉइंट्स हैं इसके स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के पांच पॉइंट है हाँ, इंग्लैंड की तो बात ही नहीं, स्कॉटलैंड के देखें पांच पॉइंट है और उनका एक मैच बाकी है अभी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है उनके तो चार पॉइंट है, नामीबिया ने एक मैच हारा हुआ एक जीता हुआ है, इंग्लैंड और ओमान जो है, ओमान तो खैर अपने तीनों मैच हार चुका है। इंग्लैंड की जो सूरत हाल है ना वो भी काफ़ी दिलचस्प है, पूरा साल इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं बट वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। दोनों जीत भी जाएंगे तो पाँच पे जाएंगे तो ये तो मुश्किल है। इसमें तो खैर उनका कसूर नहीं, वेदर का कसूर है कि उनका एक मैच हुआ ही नहीं। आपको लगता है वो जीत जाते 10 ओवर पर महदूद हो गया था वो मैच? वो बात की बात है मगर वो टीम तो बड़ी है ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो टीम बहुत अच्छी है और उनके सारे प्लेयर टी ट्वेंटी के प्लेयर हैं। मगर अगर पिच सही हो ना तो आज के दौर में अगर जिसमें 10 बैट्समैन हो और 10 ओवरों में आपको 100 या 110 रन चाहिए तो ज्यादा चांसेस बनने के हैं। T20 में देख लो, देख लो वो इसलिए कि इसलिए में जो सर्कल है ना वो 6 ओवर के हिसाब से ही रहता है पहले 10 में भी। सो जिस टाइम आप चेज कर रहे होते हो आपके पास, अब आप प्लान ये नहीं करते कि हमारी विकेट हमने 20 ओवर तक खेलना है, आप प्लान करते हो कि 10 ओवर ही है
और फिर जिस टाइम सर्कल आपको 6 ओवर का मिलता है तो आप उसमें तिया पांचा कर देते हो टीम का। तो ये इवन था मैच, ये नहीं कि जी नहीं था, मगर ये इनजी इनमें मेरा ख्याल है इसमें उनकी थोड़ी सी बैड लक भी है, बैड लक है, एक मैच नहीं हुआ भाई, वो एक एक पॉइंट होने से उनको बहुत फर्क पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि कहीं इंग्लैंड वाला हिसाब भी नहीं। अब उनके दोनों मैच है ना छोटे हैं तो वो अपने ना कवर करने की कोशिश करेंगे कि जी एवरेज को भी ऊपर लेके जाएं, नहीं तो हो सकता है वो पहले 6 ओवरों में वो भी ना डर जाएं।